हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। आई होप प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपकी क्लास चल भी रही है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये रिकॉर्डिंग लेक्चर है, और ये रिकॉर्डिंग लेक्चर किसके लिए होते हैं? ये जो आपके फाउंडेशंस हैं उनको मजबूत करने के लिए होते हैं। तो मैंने इससे पहले आपको कई लेक्चर्स दिए हैं, जैसे मैंने आपको पहला लेक्चर दिया था कि व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, इसकी ब्रांचेस क्या होती हैं। फिर मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाया है। इसके अलावा वो आपको मिल जाएंगे या वीडियोस में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तब भी मिल जाएंगे। इनके अलावा हमने फ्लोरिकल्चर क्या का मतलब क्या होता है, फ्लोरिकल्चर की टर्मिनोलॉजी है उसको पढ़ाया है। प्लस फिर हमने आपको बीट साइंस के 3 लेक्चर दिए हैं, बीट साइंस का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन आप क्या है और कंट्रोल कैसे करेंगे। तो ये सब वीडियो मैं दे चुका हूँ, तो अभी तक नहीं देखा जरूर जाके देख ले। ठीक, और आज हम लोग पढ़ेंगे मैंगो कल्टीवेशन। तो मैंगो कल्टीवेशन को बेसिक पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा मतलब डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हाँ पर ऐसा पढ़ लेंगे तो कि आपके एग्जाम के आने लायक क्वेश्चंस आपके कवर हो जाए। ठीक है, बाकी और डिटेल में पढ़ने के लिए आप आगाज 4.0 जो हमारा बैच है Y612 लगा के आप इनरोल कर सकते हैं, आपको वहां पर प्रॉपर डिस्काउंट के साथ साथ बैच अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बता दूं कि अगर अभी अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड करिए, और इन फाउंडेशन का लाभ आपको तब मिलेगा जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे। डिस्क्रिप्शन से या रिकमेंड से डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे कम्युनिटी में, एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना कम्युनिटी में, और एक्सप्लोर ग्रुप में जाना, और हॉर्टिकल्चर भाई आकाश सर को आप मुझे फॉलो कर सकते हो, तो आप मुझे ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मेरा एक ग्रुप है, ये वहाँ पर बच्चे टारगेट अपलोड करते हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते हैं, उनको आपको देखना है, नोट्स खुद से बनाने भी हैं और अपडेट भी करने हैं। ठीक है, ये आपको सब कुछ वहाँ पर प्राप्त होता चला जाएगा। ठीक है, बाकी और भी कोई समस्या होती है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो आराम से कम्युनिटी में, मैं इस कम्युनिटी को डेली चेक करता हूँ, डेली आपके आंसर देने की पूरी कोशिश किया करूँगा। ठीक है, चलिए तो अगर मैं मैंगो की बात करता हूँ तो मैंगो का जिसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, मेंजीफेरा इंडिका होता है। ठीक है, यानी अगर उनके वनस्पतिक नाम की बात करेंगे तो मैंगो का जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है भाई, वो है मेंजीफेरा इंडिका। ठीक, और इसकी जो फैमिली होती है वो क्या होती है, वो होती है एनाकार्डियेसी। क्या होती है, एनाकार्डियेसी, सीएस लिख गया है, एनाकार्डियेसी होती है। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि भाई जो मैंगो है, ठीक है, इसे हम और क्या बोल देते हैं, तो राजा है भाई, है बन जा तू मेरा राजा है, तो राजा है, तो ये क्या है, ये आपका किंग ऑफ, लिख दो बेटा, ये किंग ऑफ फ्रूट है। ठीक है, किंग ऑफ फ्रूट है। इनके अलावा मैंगो जो होता है इसे हम कह सकते हैं ये सिंबल ऑफ लव। ठीक है, कह सकते हो क्या है, सिंबल ऑफ लव। तो मैंगो अगर किसी से प्रेम प्रेम हो गया हो, देखो मैंगो बन के आए इसीलिए हम तो अगर जिसे किसी से प्रेम प्रेम हो गया हो तो उसे आप मैंगो दे सकते हो, आपकी बातों को अच्छे सुन लेगा, कम से कम मुंह पे मार के तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो सिंबल ऑफ लव जो है, इसे भी मैंगो को बदल दिया, देखिएगा कि सिंबल ऑफ लव क्या है, तो सिंबल ऑफ लव जो है ये भी हमारा क्या है, मैंगो है। क्लियर है, इनके अलावा और क्या बोल देते हैं, तो इसे हिंदुस्तान प्राइड फ्रूट, या कह सकते हो प्राइड फ्रूट ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, तो हिंदुस्तान प्राइड फ्रूट क्या है भाई, ये भी हमारा मैंगो, लिखना इंपॉर्टेंट है कि भाई हिंदुस्तान प्राइड फ्रूट किसे बोल देते हैं, तो हिंदुस्तान प्राइड फ्रूट भी हमारा क्या है, मैंगो है। ठीक, कुछ और बात करेंगे तो हिंदुस्तान प्राइड फ्रूट के साथ साथ जब तक मैंगो जो है आप पूरा बैठ के पूरी पूरी गुठली उसकी निकाल ला लो, है ना, यहाँ हाथ पैर लग जाता तुरंत बाथरूम जाना पड़ता है, तब तक कहाँ मजा आता है। ठीक, तो इसको हम लोग बाथरूम फ्रूट भी बोल देते हैं, क्या बोलते बच्चों, इसे हम लोग बाथरूम फ्रूट भी बोल देते हैं। तो यार मैंगो क्या है, ये आपका बाथरूम फ्रूट भी है। ठीक है, तो हमारे मैंगो के सिनोनिम्स कौन कौन से हैं, किंग ऑफ फ्रूट, बाथरूम फ्रूट, सिंबल ऑफ लव और हिंदुस्तान प्राइड फ्रूट, ये सभी मैंगो के ही नाम होते हैं। यहां तक बात क्लियर है एकदम भैया, वाई टाइप करते रहा करो, लाइक बटन पे प्रेस कर दिया करो, ठीक है, याद रखा करो, मेरे से लाइव जुड़ने के लिए रात को 8 बजे क्लास होती है, वो भी ज्वाइन करना, अच्छी बात है भाई, हटा दे इसको। और देखो अगर मैं गुणसूत्रों की बात करूंगा तो मैंगो के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 40, कितने बेटा 40 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक, और इसका जो उत्पत्ति स्थान होता है यानी कि जो ओरिजिन प्लेस होता है वो क्या होता है, वो इंडो या बर्मा रीजन होता है, यानी इंडो बर्मा रीजन। ठीक, मैंगो का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है बेटा, वो है इंडो बर्मा रीजन। ठीक, याद रखिएगा, मतलब इंडिया का जो बर्मा रीजन वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला जो इंडिया है लोअर पास देखेंगे, ये आपकी कर्क रेखा है, तो ये वाला रीजन है वो इसका उत्पत्ति स्थान है। तो जब ये इसका उत्पत्ति स्थान है तो कर्क रेखा नीचे जितना पोर्शन होता है वो क्या होता है, वो ट्रॉपिकल होता है, सिंपल सी बात है। तो मैंगो मेनली कैसा है भाई, तो मैंगो भी मेनली कैसा है, ट्रॉपिकल फ्रूट है, याद रखिएगा, क्या भाई, हमारा ट्रॉपिकल फ्रूट की संज्ञा में रखा जाता है। ठीक, और आपने ये भी देखा होगा कि जब भी आप मैंगो खाते हो 2 दिन रखा हो और पक जाएगा, यानी मैंगो क्या होता है बाद में पक जाता है। ठीक, तो ये क्या है, तो ये बेटा क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल भी है और क्या है बेटा, ये क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है, यानी बाद में पक जाता है। ठीक, याद रखिएगा, आगे देखते हैं क्रोमोसोम कितने होते हैं, 40 होते हैं। ठीक, अब देखो बेसिक क्रोमोसोम कितने होते हैं, बेसिक की बात करेंगे तो मैंगो मेनली कैसा होता है, टेट्राप्लॉइड होता है, यानी कि चतुर्गुणित होता है। तो इसके अंदर क्या लिख सकते हैं,
2n बराबर 4x बराबर 40 ऐसे लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या निकलेगा, 40 बटा 4 काट देंगे तो x बराबर 10 निकलेगा। तो ये जो 10 होता है ना, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 10 क्या है, इसके अंदर बेसिक क्रोमोसोम कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक। फ्रूट के टाइप की बात करेंगे तो फल का प्रकार क्या होता है, ड्रुप, ठीक है। फल का प्रकार क्या है बेटा, ड्रुप जो है इसके फल का प्रकार होता है, ठीक है। तो फल का प्रकार क्या हो गया बेटा, ड्रुप हो गया, है ना। और 40 के अंदर क्रोमोसोम्स हो गए, इंडो बर्मा उत्पत्ति स्थान हो गया, है ना। और समझिए इसका जो खाने योग्य भाग है, अब देखो भाई सिंपल सी बात है, इसका कौन सा भाग खाते हैं, तो हम लोग जो बीच वाला पार्ट होता है, मध्य वाला पार्ट, वही खाते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये जो मेनली इसका एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है, मीजोकार्प होता है, यानी कि मध्य फलभित्ति होता है। क्या लिख सकते हैं भाई, जो मध्य फलभित्ति होती है वो इसका खाने योग्य भाग होता है। तो मध्य फलभित्ति खाने योग्य भाग हो गया, ठीक है। फ्रूट टाइप ड्रुप हो गया, उत्पत्ति स्थान इंडो बर्मा हो गया, क्रोमोसोम नंबर 40 हो गए, फैमिली एनाकार्डियेसी हो गई, ठीक है। सिंबल ऑफ लव बोल देते हैं इसे, इसके अलावा इसे हिंदुस्तान प्राइड फ्रूट बोल देते हैं, बाथरूम फ्रूट बोल देते हैं, और हमारा नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया भी कौन है, मैंगो ही है, ठीक है। मैंजिफेरा इंडिका फंट भी नाम होता है, एनाकार्डियेसी फैमिली होती है, 40 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक। तो इसे बार बार जो बोल रहे हैं इनको याद रखा करो, कहानी दिमाग में क्लियर रहेगी तो दिमाग के अंदर चीजें भी क्वेश्चन क्लियर रहेंगे, क्लियर है यहाँ तक, चलो बढ़िया बात। बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो भाई देखो, अगर सॉइल की बात करेंगे तो इट कैन बी ग्रो इन इन अल्यूबियल सॉइल एक्सेप्ट इन पोअरली ड्रेन सॉइल ब्लैक सॉइल। तो वैसे तो इसे हर प्रकार की मिट्टी में हो सकता है, लेकिन अच्छी जगह तरीके से ये एल्यूबियल जो जलोढ़ मृदा होती है, कौन सी बेटा, जो एल्यूबियल सॉइल है जिसे हम कह सकते हैं जलोढ़ मृदा, उस जलोढ़ मृदा में अच्छे तरीके से ये ग्रो हो सकता है, याद रखिएगा। कह सकते हैं कौन सी सॉइल अच्छी नहीं है, तो पुअरली जो ड्रेन सॉइल होती है, यानी कि जिसमें जल निकास बहुत अच्छा नहीं होता, जिसमें जल निकास बहुत अच्छा नहीं है वहां पर ये अच्छे तरीके से नहीं हो सकता, ठीक है। पीएच की बात करेंगे तो 6.5 से 6.8, 6.5 से 6.8। देखो ऐसा भी नहीं है कि भाई इससे ऊपर पीएच में हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन होता क्या है कि जब भी मैंगो हमारा प्यारा सा मैंगो, मासूम सा मैंगो, ये 6.5 से ऊपर जाता है, या मान लीजिए 7.5 से ऊपर जाता है, तो यार होता क्या है कि पत्तियों में ना बर्निंग होने लगती है, स्क्रॉचिंग होने लगती है, ठीक है, बर्निंग या स्क्रॉचिंग होने लगती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पत्ती देख रहे हो, तो इस पत्ती में साइड से क्या हो जाएगी, स्क्रॉचिंग होने लगेगी, ठीक है। तो वो मुख्यतः कब होता है, जब मैंगो का पीएच स्टार्टिंग में 7.5 से ऊपर जाता है, तो इसके लिए आइडियल पीएच कितना है, 6.5 से 6.8 होता है, आप 7.5 तक भी लिख सकते हो, पर इसके ऊपर मत रखिएगा, ठीक है। हाँ वैसे ऐसा भी नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता है, क्योंकि इसका एक रूट स्टॉक डेवलप किया गया है, कुरकुरन, क्या था, कुरकुरन। तो जो कुरकुरन रूट स्टॉक होता है वो 9.5 पीएच तक भी ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो अल्कलाइन कंडीशन में कौन सा अच्छा है, कुरकुरन रूट स्टॉक है, ठीक, वो अपने दिमाग में रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे देखो, आप बात करते हैं कुछ वैरायटीज की जो काफी इंपॉर्टेंट बन सकती है। देखो आपके, मैं सीधे एग्जाम में आने वाली वैरायटी बताऊंगा, या जब आप बैच में होंगे तो आपको वहां पर भी वाई 612 लगा के आएंगे, तो आपको वहां पर डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपको एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से जो चीजें बन सकती है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो चीजों अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको यहाँ पर भी चीजें अवेलेबल करवाई जा रही, ताकि आप एग्जाम को बहुत क्लियरली निकाल लें, ठीक है। A4 पूछा गया क्वेश्चन था कि बताइए आम की लेट मैच्योरिंग वैरायटी कौन सी है, भाई उसमें कई ऑप्शन रखे थे, अब आपको कौन सा लगाना है समझते हैं। तो जब लेट मैच्योरिंग वैरायटी की बात करें बेटा, ठीक है, तो उनमें हमारे पास कौन कौन सी वैरायटी आती है, उनमें आती है तामुरिया, तामुरिया मनपसंद, तामुरिया मनपसंद, नीलम, चौसा, मोतिया, अच्छा। तो ये हमारी लेट मैच्योरिंग वैरायटी होती है, ठीक है। हाँ क्या बोला हमने, तामुरिया मनपसंद नीलम चौसा मोतिया और फजली, ठीक है, अच्छी बात है भाई। तो इनको कैसे याद करेंगे, हमने बोला कि हमारे हाथ में एक रत्न था, रत्न कौन सा, नीलम, नीलम एक रत्न आता, देखो हाँ नीलम रत्न की बात कर रहे हैं। तो वो जो रत्न था, तो वो रत्न क्या हुआ कि भैया जी वो थोड़ा गंदा हो गया था, तो देखा किसी ने कि भाई तुम्हारी जो मनपसंद नीलम है, क्या बोला हमने, नानी बोली सेना, तुम्हारी मनपसंद नीलम को चमका दिया इसने पीछे से, भाई रत्न गंदा हो गया नीलम, तो चमका दिया इसने पीछे से, देखा कि भाई तुम्हारी मनपसंद नीलम को चमका दिया इसने पीछे से, जब देखा अरे कहाँ चमकाया गंदा, अभी फट फर्जी बात कर रहा है, ठीक है। तो तुम्हारी मनपसंद नीलम को चमका दिया इसने पीछे से, देखा तो फर्जी बात कर रहा था, नालायक था। तो यहाँ पर ऐसे याद कर सकते हो, तामुरिया मनपसंद नीलम, तामुरिया नहीं तुम्हारी से क्या हो गया, तामुरिया मनपसंद से क्या हो गया, मनपसंद नीलम से क्या हो गया, नीलम चमका चौसा मोतिया पीछे से, यानी पछेती, यानी कि लेट हो चुकी बैठी है, देखा फर्जी बात कर रहा था फजली, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हो।
तामुरिया, मनपसंद नीलम, चौसा, मोतिया, फजली, ये सभी लेट मेच्योरिंग प्रजातियां हैं। कौन सी बेटा? ये सभी आपकी लेट मेच्योरिंग प्रजातियां हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए क्लियर तरीके से, ठीक है? ये क्लियर तरीके से याद होना चाहिए, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्की बात। अच्छा, ये तो हो गई लेट मेच्योरिंग, अच्छी बात है। अर्ली में होती है बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे येलो है ना, गुलाब खास है, आपके वो कौन थे, गोपाल भोग है, मीडियम में कृष्ण भोग है, मल्लिका है, आम्रपली है, मीडियम है। लेकिन इनके अलावा भी वैरायटी बहुत आती है, वो कौन कौन सी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ इंडिया के, साउथ इंडिया के, नॉर्थ इंडिया में दशहरी लगड़ा चौसा है, साउथ इंडिया में बागनपन्नी नीलम है। पर आपको कुछ फैक्ट बताऊं जो एग्जाम में ज्यादा बनते हैं, जैसे कि आम की कौन सी प्रजाति ऐसी होती है जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए अच्छी होती है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए हमारी जो प्रजाति आम की है वो होती है अमरापल्ली। कौन सी बेटा? अमरापल्ली जो प्रजाति है ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। खासियत क्या है इसकी कि बेटा जी, इसको जो ना हम लोग 2.5 × 2.5 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतनी डिस्टेंस पर इसे हम लगा लेते हैं, ठीक। और जब इतनी डिस्टेंस पर लगाएंगे तो कितने प्लांट लगेंगे, ये भी एग्जाम में आता है। तो हम निकाल सकते हैं 10,000 होते हैं भाई एक हेक्टेयर में, 2.5 × 2.5, इधर हटाया इधर हटाया, ऊपर दो जीरो बढ़ाया, 25 × 100, 25 × 100, 400 × 4 = 1600। तो अगर हम देखेंगे कि, याद रखिएगा कि हमारे जो आम्रपली होती है इसमें टोटल जो प्लांट लगते हैं वो 1600 प्लांट लगते हैं। बेटा 1600 प्लांट लगते हैं, ये भी याद रखना। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए अच्छी कौन है? आम्रपली अच्छी होती है। 2.5 × 2.5 इसमें डिस्टेंस रखते हैं, ठीक, 1600 इसमें प्लांट लगते हैं। क्लियर है भैया? आम्रपली वैरायटी होती है, क्लियर भैया? आगे बढ़ो, ये भाई बात क्लियर है? हाँ, एकदम दिक्कत वाली बात तो नहीं है, है भैया? दिक्कत है, चलो आगे देखो। दूसरी बात, आम की सबसे मीठी प्रजाति कौन सी होती है? स्वीट वैरायटी। देखो ये 25-30 मिनट के वीडियो है, इनमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कम से कम कोशिश करिएगा कि 30 मिनट के वीडियो को देख ही लो टाइम पे, वरना आम तो आप जानते ही हो, मैं 2-2, 3-3 घंटे आम पढ़ाता हूँ, ठीक है? इतना लंबा आपको पसंद है ना, अच्छे तरीके पढ़ाते हैं। पर ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, तो इनको तो पता ही मिस ही नहीं करना है और शेयर जरूर करना है। चलो भैया, सबसे मीठी वैरायटी बात करेंगे तो चौसा जो है बेटा, चौसा सबसे मीठी प्रजाति होती है। कौन सी? चौसा। अगर मैं विटामिन सी की बात करूंगा तो मैक्सिमम विटामिन सी किस में पाई जाती है? तो वो होती है बॉम्बे ग्रीन। देखो बॉम्बे ग्रीन के अंदर मैक्सिमम विटामिन सी पाई जाती है, ये भी याद रखना। बॉम्बे ग्रीन जो प्रजाति है इसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाई जाती है। एक बात आप और इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बेटा जी, कि जो हमारा मैंगो होता है इसकी कौन सी प्रजाति ऐसी है जो कि म्यूटेंट होती है, यानी कि जिसमें उत्परिवर्तन होता है, ठीक। तो अगर मैं म्यूटेंट की बात करूंगा तो आम की जो एक म्यूटेंट प्रजाति है वो कौन सी है? तो आम की जो म्यूटेंट प्रजाति है वो होती है रोशिका। क्या होती है बेटा? रोशिका जो प्रजाति है आम की, ये एक म्यूटेंट प्रजाति होती है, ये भी याद रखना कि आम की प्रजाति वो कैसी है, म्यूटेंट है, कौन सी बेटा? रोशिका होती है, क्लियर है? 2-3 पॉइंट और है, जैसे कि कौन सी प्रजाति आम की ऐसी है ना जो कि एप्पल शेप की होती है, एप्पल शेप। अब एप्पल शेप की वैरायटी कौन सी बेटा? तो वो हमारी हो जाएगी रुमानी। क्या? रुमानी। तो रुमानी जो है ये एप्पल शेप प्रजाति मानी जाती है, ठीक, ये भी याद रखना। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं भाई, ख्वाबों की मल्लिका कहाँ रहती है? एनडी यूनिवर्सिटी में रहती है कई लोगों की। तो मल्लिका जो है, जो मतलब नीलम और दशहरी क्रॉस है, इसकी खासियत क्या है, अभी आगे पढ़ा भी देंगे। तो जो मल्लिका होती है इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि मल्लिका जो है ये, इसके अंदर विटामिन ए कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो अगर मैं ऐसे बात करूं कि भाई आम के अंदर कितना विटामिन होता है, 4800 होता है। अगर फलों की बात करेंगे तो आम के अंदर एक ऐसा आम, एक ऐसा फल है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है, कितनी? 4800 इंटरनेशनल यूनिट। इनमें से जो मल्लिका प्रजाति होती है उसमें सबसे ज्यादा होती है। तो आम की किस प्रजाति में विटामिन ए सबसे ज्यादा होती है? तो वो होती है मल्लिका के अंदर, ठीक है बेटा। मल्लिका के अंदर विटामिन ए जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बनता है कई बार, ठीक है? अच्छी बात है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? बोलो बोलो भैया, यहाँ तक मामला क्लियर है? हैं, घबराना नहीं, टेंशन ना लो, आए बोलो। इसके अलावा कुछ हाइब्रिड प्रजातियां और इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हाइब्रिड में देखेंगे तो आम्रपली प्रजाति कैसी होती है? आम्रपली जो प्रजाति है, ठीक है, ये दशहरी और नीलम के क्रॉस से मिलकर बनी है। ये नोट्स आपको दिखा दिए, मैं थोड़ा पीछे लिख देता हूँ क्योंकि लिखने से आपको ज्यादा याद होगा, वरना आप फिर वहाँ वो करने लगते हो कि यार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कौन पढ़ेगा, नालायक ही दोगे। आम्रपली ये भाई किसके क्रॉस है? ये DNA, यानी कि DNA क्या होता है? दशहरी और नीलम। तो दशहरी और नीलम इनके क्रॉस से क्या बनती है? हमारी आम्रपली बनती है। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, याद रखिएगा। DNA
दूसरा हो रहा भैया आरएनए। आरएनए क्या होता है? आरएनए मतलब क्या है, ध्यान देखो, रत्ना जो है ये किसका क्रॉस है? तो रत्ना क्रॉस होता है नीलम और अल्फांसो का, ठीक है, नीलम और अल्फांसो। तो नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से क्या बनती है? रत्ना प्रजाति बनती है। तो नीलम और अल्फांसो क्रॉस से क्या बनेगी? रत्ना प्रजाति बनेगी। दोनों इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब आम की एक ऐसी प्रजाति है जो कि हाइब्रिड है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है? वो है आपकी कौन सी? सिंधु। अब देखो सिंधु की खासियत भी होती है लल्ला, खासियत क्या होती है? सिंधु जो प्रजाति होती है, कौन सी सिंधु? ये आम की सीडलेस प्रजाति है। कौन सी बेटा? सीडलेस प्रजाति है, याद रखना। तो आम की सीडलेस प्रजाति कौन सी है? सिंधु है। प्लस ये भी याद रखना कि सिंधु में पूरा का पूरा सिंधु खा जाते हो, बड़ी सिंपल सी बात है। सिंधु अगर खाओगे तो पूरा का पूरा सिंधु खाओगे। एस आर ए, सारा अली खान नहीं भैया, एस आर ए, ठीक है। यानी कि रत्ना और अल्फांसो, रत्ना और अल्फांसो। तो रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से क्या बनती है? सिंधु बनती है, ठीक। तो ये देखो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बहुत कठिन क्वेश्चन है, पर इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, ये तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे आपकी वैरायटी ऊपर उतनी कमांड हो जाएगी, ठीक। तो आम की सीडलेस प्रजाति कौन सी है? सिंधु होती है, जो कि रत्ना और अल्फांसो का क्रॉस है। आम्रपली जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक। मल्लिका जो है विटामिन ए के लिए अच्छी होती है। मल्लिका क्रॉस किसका है? तो ख्वाबों की मल्लिका एनडी यूनिवर्सिटी में रहती है। नीलम और दशहरी किसका भैया? नीलम और दशहरी क्रॉस है। तो ये भी आपको याद हो गया, यहां तो कोई दिक्कत पक्की बात नहीं ना। चलो अब देखो सिंधु से पूछा जा सकता है भाई, सिंधु के अंदर सीड, आपने देखा होगा सिंधु के अंदर बहुत छोटा सा सीड होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो सिंधु के अंदर क्या होता है? बहुत छोटा सा सीड होता है, बहुत मासूम सा। तो बहुत छोटा सा सीड जो होता है वो कैसा होता है याद रखिए। तो सिंधु के अंदर छोटा सीड होता है, वो होता है ड्यू टू स्टेनोस्पर्मोकार्पी। अब ये स्टेनोस्पर्मोकार्पी होती क्या है, समझिए। स्टेनोस्पर्मोकार्पी देखो होती क्या है, कौन सा वाला? कोई भी। तो स्टेनोस्पर्मोकार्पी का मतलब क्या होता है कि आप समझिएगा कि मान लीजिए मेल है, ठीक है, मेल है, और मेल और फीमेल मिले, पोलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और जब मेल और मेल फीमेल मिले, पोलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और फिर क्या हुआ? एम्ब्रियो भी बन गया। क्या समझो, मेल फीमेल मिला है, पोलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और एम्ब्रियो बन गया। लेकिन एम्ब्रियो का एबॉर्शन हो गया, और एम्ब्रियो के एबॉर्शन के कारण सीड नहीं बना, ठीक है, क्या नहीं बना? सीड नहीं बना। ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? स्टेनोस्पर्मोकार्पी कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? स्टेनोस्पर्मोकार्पी कहलाती है, ठीक। और वो कंडीशन जो है सिंधु के अंदर पाई जाती है, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए एम्ब्रियो के एबॉर्शन के कारण जब सीड नहीं बनता है उसे हम क्या होते हैं? उसे हम लोग स्टेनोस्पर्मोकार्पी बोलते हैं, ठीक, जो कि सिंधु के अंदर पाई जाती है। ये बात भी याद रखिएगा। कुछ और प्रजातियों की बात करेंगे तो पूसा प्रतिभा, ठीक है, आपकी मैडम का नाम है, देखो पूसा प्रतिभा, ठीक है। हाँ, ये भी किसकी प्रजाति है? मैंगो की। साई सुगंधा, मैंगो की। पूसा सूर्या, पपीता की भी है, मैंगो की भी है, ठीक है। तो ये अलग वराइटियां भी है, मंजरी गोटा, ठीक। तो ये सभी मैंगो की प्रजातियां होती है, इनको याद रखिएगा, क्लियर है भैया। मैंगो की एक ऐसी प्रजाति जो सबसे एक्सपोर्ट में होती है। तो एक्सपोर्ट में आगे कौन है बेटा? एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट में अल्फोंसो। अल्फोंसो जो है बाबू वो एक्सपोर्ट में बहुत आगे होते, ठीक बेटा, एक्सपोर्ट में आते हैं। कह सकते हो कैनिंग के लिए अच्छी कौन सी है? तो यही जो अल्फोंसो होती है ये कैनिंग के लिए भी बहुत अच्छी होती है, ठीक। आम के, अब देखो, अब दो बातें और जान लो, ठीक है। आम की ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसमें टर्पेंटाइन फ्लेवर होता है, और सबसे ज्यादा मीठी कौन सी होती है? तो मीठी होती है चौसा, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो टर्पेंटाइन फ्लेवर होता है वो लंगड़ा के अंदर होता है, टर्पेंटाइन फ्लेवर, ठीक, ये बात याद रखिएगा। परफेक्ट फ्लेवर भी लंगड़ा के अंदर होता है। चलो बात क्लियर है। हाँ, और देख लीजिए कुछ क्रॉस। अर्का अनमोल जो है अल्फांसो और जनार्दन पसंद का क्रॉस है। अर्का पुनीत जो है अल्फांसो और बागनपल्ली का क्रॉस है, ठीक है। मल्लिका नीलम और दशहरी का क्रॉस है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा रत्ना जो है नीलम और अल्फांसो क्रॉस है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंधु रत्ना और अल्फांसो क्रॉस है, तो ये भी कुछ प्रजातियां जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी डिटेल में आपको पेट बचेंद्र में मिलेगा, बाकी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब कभी कभी पूछ सकता है ऑफ सीजन वैरायटी कौन सी है? तो ऑफ सीजन वैरायटी होती है आपकी निरंजन और मधुलिका। निरंजन और मधुलिका कैसी है? ये आम की ऑफ सीजन वैरायटी होती है, ठीक है। यहां तक क्लियर है भैया? बोलो, यहां तक मामला क्लियर है? चलो आगे देखो, अब बात करते हैं प्रोपोगेशन की। भाई आम में मुख्यतः प्रोपोगेशन किससे करते हैं? तो इसमें हम सीड से भी कर सकते हैं, स्टोन ग्रेफ्टिंग कर सकते हैं, बिना ग्रेफ्टिंग कर सकते हैं, इनार्चिंग कर सकते हैं, और मेनली कमर्शियली बीनियर ग्रेफ्टिंग करते हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीनियर ग्रेफ्टिंग, ठीक है।
आपको क्या करना है मैंगो के अंदर, मैंगो के अंदर मुख्यतः जो प्रोपगेशन किया जाता है वो बीनियर ग्रेफ्टिंग के माध्यम से ही किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है कि मैंगो में प्रोपगेशन किससे करते हैं, बेटा बीनियर ग्रेफ्टिंग से प्रोपगेशन कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या था, एक हमारे पास रूट स्टॉक था, ये हम एक वी ऐसा साइन लेके आया, ठीक है, ये वी शेप का साइन लेके आया और हमने इसमें अटैच कर दिया और ये प्लांट ग्रो कर गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वीनियर ग्रेफ्टिंग हो गया, ठीक है। तो साइन जो लेके आते हैं वो साइन होता है, जो लगाते हैं वो आपका रूट स्टॉक होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अटैच कर दिया तो क्या कहलाया, बीनियर ग्रेफ्टिंग कहलाया। और बीनियर ग्रेफ्टिंग मुख्यतः किसमें करते हैं, मुख्यतः हम लोग अपने मैंगो के अंदर कर लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा आगे देखो, फ्लावर डिस्टेंस की बात कर लेंगे, तो फ्लावर डिस्टेंस यहाँ पे देख लो हल्की हल्की इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लांटिंग ऑफ मैंगो की बात करेंगे, शुड बी डन इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त के महीने प्लांटिंग कर सकते हो। मेनली इसमें स्क्वायर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, जिसमें रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस बराबर होती है, उस स्क्वायर सिस्टम को हम लोग अपना लेते हैं, ठीक, याद रखिएगा। इसमें ढाई इंटू ढाई आम्रपली की बात करेंगे तो 2.5 × 2.5 इतनी डिस्टेंस रखते हैं, यानी ढाई इंटू ढाई इसमें डिस्टेंस रखेंगे, ठीक। दशहरी में डिस्टेंस 3 × 2.5 रखते हैं, ठीक है, दफनी की तरह रखते हैं ना, 3 × 2.5 जो डिस्टेंस होती है वो दशहरी में रखते हैं, और आम्रपली में ढाई इंटू ढाई रखते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो है वो 10 × 10 रखेंगे, तो नॉर्मल में हम ये भी लिख सकते हैं कि 9 × 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सही है, ये भी सही है। तो नॉर्मल डिस्टेंस 9 × 9 या 10 × 10 है, आम्रपली में 2.5 × 2.5 है, दशहरी में 3 × 2.5 है, ठीक। तो ये बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको बता रहे हैं, इनको भी याद रखिएगा, क्लियर है भाई, ये भी आप ही के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम तो याद ही रखें, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक। अभी हम क्विक रिवीजन भी लेंगे, रैपिड फायर रिवीजन लेंगे, डोंट वरी, आगे देखते हैं। इरिगेशन देख लेते हैं, तो इन द समर ऑफ फर्स्ट ईयर प्लांटिंग इरिगेटेड इन द प्लांट इंटरवल ऑफ 5 to 6 days, ठीक है। तो गर्मियों में 5 से 6 दिन के अंतराल पर करते हैं, अगर पौधा 1 साल का है, अगर पौधा जो है आपका 2 से 5 साल का हो रहा है तो 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करेंगे, अगर 5 से 8 साल का है तो लगभग 15 दिन के अंतराल पर करेंगे, ठीक है। और इरिगेशन मस्ट बी डन व्हेन द ट्री आर फ्लावरिंग, इरिगेशन कब जब फ्लावरिंग हो रही होती है उस समय करते हैं, लेकिन रेनफॉल जरूरी नहीं होती है, याद रखिएगा। रेनफॉल अगर हो जाएगी फ्लावरिंग टाइम में तो फ्लावर झड़ जाएंगे, इसलिए इरिगेशन आप रिंग मेथड से इरिगेशन आराम से कर सकते हो। आफ्टर द हार्वेस्टिंग 2 or 3 इरिगेशन मस्ट बी डन टिल फ्रूट आर राइप, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग टाइम या फ्रूट राइप जब तक नहीं हो जाते तब तक आप इरिगेशन एक बार कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक इरिगेशन के मामले में आपको पॉइंट समझ में आना चाहिए, एक पॉइंट याद रखिए अलग से कि अगर आप इसमें ड्रिप इरिगेशन अपना रहे हैं तो क्योंकि वैसे हम इसमें रिंग अपनाते हैं तो रिंग के कंपैरिजन में ड्रिप में लगभग 40 से 50 फीट पानी की बचत होती है। वैसे फ्लड में 50 से 70 फीट होती है, हमने पढ़ा होगा, पर रिंग के कंपैरिजन में 40 से 50% लगभग आपके पानी की बचत हो जाती है, ठीक है। चलो तो ये आपके पॉइंट्स हो गए मैंगो के बारे में। अब इसके कुछ डिसऑर्डर्स हैं, ठीक, तो मुझे बताइएगा कि इसका पार्ट टू आपको चाहिए तो मैं पार्ट टू में आपके डिसऑर्डर्स ठीक भी करवा दूंगा, 15 मिनट का वीडियो होगा आराम से, ठीक है, तो आपको डिसऑर्डर्स भी करवा देंगे। मैंगो के ओवरव्यू पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, जो हम लोग आपको क्विक रिवीजन के अंदर हमने आपको करवा दिए हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए उनको मैंने कवर किया है, ठीक। ये एक फाउंडेशन क्लासेस है तो इनमें छोटे छोटे वीडियो आपको मिलेंगे 20-25 मिनट के। अब अगर आपको डिसऑर्डर्स भी चाहिए तो आप कमेंट लिखिएगा, सर मुझे डिसऑर्डर्स भी करवा दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो हम डिसऑर्डर्स के ऊपर भी ले आएंगे, क्लियर है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर आपको मेरे से डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, अगर आपको पूरी हॉर्टिकल्चर मेरे से डिटेल में पढ़नी है तो ध्यान दीजिए, आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट से डिस्क्रिप्शन से आपको डाउनलोड करना है, हॉर्टिकल्चर ग्रुप को फॉलो कर लेना है, प्लस आपको जाना है ऑल कोर्सेज में, एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है मेरे ऊपर, यहाँ पर आप एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे, बैंकिंग होगा तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे, करते ही आप जाएंगे आईपीएस एफओ बैच के अंदर। ये एफओ का नया बैच है जो 9 जून से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और अगर मेरे से सिर्फ हॉर्टिकल्चर वीड साइंस एक्सटेंशन पढ़नी है तो आप आगाज 4.0 में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो में कर चुका हूँ, जाके देखिएगा, ठीक है। मैंगो वगैरह 2-2 घंटे में मैंगो पढ़ाएंगे तो कितना अच्छा आपको लगेगा आप भी समझ सकते हैं, ठीक है, ये तो रिकॉर्डिंग है, जब जब आपको लाइव पढ़ाएंगे तो और अच्छा आपको इंटरेस्ट लगेगा। ये आगाज 4.0 बैच है, 12 मंथ की वैलिडिटी है इसकी, जाइए एनरोल करिए, कूपन कोड लगाइए Y612, जैसे Y612 ए लगाओगे आपको इसमें Y612 लगाओगे आप उसमें प्रॉपर डिस्काउंट मिल जाएगा, 735 का पूरा कोर्स मिल जाएगा। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आईपीएस एफओ बैच के अंदर एनरोल करो, इसमें आपको ऑल ओवर क्लासेस एक साथ मिलेंगी, ऑल ओवर क्लासेस एक साथ मिलेंगी, सिंपली आपको जाओगे 12 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ई बुक भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज ई बुक, ठीक है, और आपको डाउट डिस्कशन टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, सभी नोट्स भी टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो ऑल ओवर चीजें आपको इसके अंदर प्राप्त हो जाएंगी। करना क्या है, वाइन ऑफ पे क्लिक करना, कूपन कोड अप्लाई करना है, कूपन कोड ध्यान में डालिएगा Y612 आपको डालना है, Y612 डाल के आपको प्रॉपर डिस्काउंट इसके ऊपर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है।
और सभी बैच अगर आपको एक्सट्रा चाहिए कि आपको एमपीआरओ, आईपीएस, आरआरबी, एसओ, एफएसओ, राजस्थान एफएसओ, आईसीआर, बिहार बीएफएससी, यानी जितने बैचेस हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, तो आप लेंगे एग्रीकल्चर महापैक। एग्रीकल्चर महापैक में आपको जितने बैच एग्रीकल्चर अड्डा में चल रहे हैं ये सभी बैचेस के लिस्ट है, पूरी बैचेस की लिस्ट है। इनके अलावा भी और जो इंक्लूड हुए वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ये भी मिलेंगे इसके अंदर। प्लस इसमें आपको 5 घंटे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, वीडियोस मिलेंगे, ईबुक्स वगैरह भी इसके अंदर अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, तो ऑल ओवर महापैक आपको सब कुछ इसमें प्राप्त हो जाएगा। महापैक के अंदर इनरोल करने के लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना है Y612, अप्लाई करते ही आपको उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप Y612 अप्लाई कर सकते हैं, 7,000 के आसपास आपको पूरा बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो फाउंडेशन सीरीज कैसी लगती है कमेंट बताइए, और नया फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पर वीडियो चाहिए तो लिखिए सर डिसऑर्डर्स भी करवा दीजिए। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा तो मैं आपको नया वीडियो ले आऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल, ज्यादा दर्द है। बाकी और भी फाउंडेशन मैंने की है उनको भी जरूर देखा करो, ठीक है, ताकि आपकी धीरे धीरे चीजें मजबूत हो सके। ठीक है, रात को 8 बजे डेली मैं क्लास लेता हूं, रात को 8 बजे वो भी ज्वाइन करना है, अपना ख्याल रखना है। जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे।